ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी की जानिब से गुलबर्ग शहर में हुमनाबाद रोड पर होटल मेरिडियन को HRS कोविड केयर सेंटर की शक्ल में तब्दील कर दिया गया है। इस HRS कोविड केयर सेंटर में कुल 30 बेड अवेलेबल हैं, जिसमें एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक गरीब और मजबूर मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। HRS कोविड केयर सेंटर जमात इस्लामी हिंद की बैकिंग सपोर्ट से चलाया जा रहा है और इस कोविड केयर सेंटर के जरिए गरीब और मुस्तहिक मरीजों का इलाज करने के लिए HBS हॉस्पिटल और मर्सी मिशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ताउन किया जा रहा है। याद रहे, इस कोविड केयर सेंटर में सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक मरीजों का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, लेकिन मेडिसिन और इन्वेस्टिगेशन यानी किसी तरह की कोई स्कैनिंग या टेस्टिंग करवाना हो तो उसका चार्जेस आपको खुद पे करने होंगे। HRS कोविड केयर सेंटर के जिम्मेदारों ने कहा, गुलबर्गा शहर में मन्नूर और सनराइज हॉस्पिटल से इनका टाई अप किया गया है। अगर कोई सीरियस पेशेंट यहां आता है तो एम्बुलेंस की फैसिलिटी के साथ उस पेशेंट को मन्नूर या सनराइज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। इस कोविड केयर सेंटर से जुड़ी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ HRS ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. HRS ಇದು ಹ್ಯುಮನಿಟೇರಿಯನ್ ರಿಲೀಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಇದು 3R ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ, ಒಂದು ರಿಲೀಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 3R ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಜನರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಇದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಓಟಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ದೇವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸೇವೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಏ आज HRS के जानिब से कोविड केयर सेंटर जो स्टार्ट होने वाला है, इंशाल्लाह कल इसकी ओपनिंग होगी. HRS दरअसल ये जमात इस्लामी हिंद इसका एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज NGO है पूरे स्टेट में, और इसके जानिब से कई इंसानी खिदमात के काम अंजाम पाते हैं, और इसके बैकिंग में जमात इस्लामी हिंद है. और यहाँ पे जो स्टार्ट होने जा रहा है ये दरअसल HBS बेंगलुरु हॉस्पिटल उसके ताउन से, और बेंगलुरु के और एक ऑर्गेनाइजेशन है मर्सी मिशन जो मारूफ हैं, तो इन दोनों के ताउन से ये कोविड केयर सेंटर स्टार्ट होने जा रहा है. और इंशाल्लाह इसके टेक्निकल जो तफसीलात हैं वो हमारे नाज़िम ज़िला मोहम्मद ज़ियाल्ला साहब आपके सामने रखेंगे. तो यहाँ पर ख़ास बात यह है कि ये जो नफसा नफसी का दौर है, इस नफसा नफसी के दौर में हम लोग बहुत कुछ देखे हैं कि इंसानी खिदमात के मुकाबले में लोग पैसों के लिए कोशिशें कर रहे हैं. तो वैसे हालात में हम ये जो कोविड केयर सेंटर चला रहे हैं तो इंशाल्लाह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन है और इन्वेस्टिगेशन है. सिर्फ इसका जो पेशेंट को चार्ज लगेगा वो चार्ज पेशेंट पे करेंगे, और इसके अलावा बाकी के सारे फीस जो है चार्जेस कोई चार्जेस नहीं रहेंगे. ना डॉक्टर के कंसल्टेंसी चार्ज रहेगी, ना जो है उनके दीगर जो भी अखराजात यहाँ पे खियाम करेंगे. ऑक्सीजन चार्ज भी नहीं रहेगा. सर कितने बेड का हॉस्पिटल? ये 30 बेड का हॉस्पिटल है. फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जा रही हैं? फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखिए तकरीबन 12 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं 5 लीटर्स पर मिनट की उनकी कैपेसिटी है. तो इससे हटकर तकरीबन 40 जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं हमारे पास. तो वो उसके बाद इन केस अगर ज़रूरत महसूस होती है तो 2 हॉस्पिटल के साथ हमने लिंक किया है. सनराइज हॉस्पिटल है और फिर जो है मन्नूर हॉस्पिटल है. सर जैसे पेशेंट सीरियस होता है आजकल ज़्यादातर वेंटिलेटर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की भी सहूलत आप लोग देंगे या कहीं हॉस्पिटल नहीं? यहाँ पे जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को यहाँ पर एडमिट किया जाएगा, और डॉक्टर अच्छे कंसल्टेंट्स हैं जो विजिट्स करेंगे, हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स रहेंगे.
जब भी ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट की कंडीशन डिटोरेट होने के ऐसे आसार लगते हैं, तो तभी जो है ना सिर्फ दो जो लिंकेज हॉस्पिटल्स हैं गुलबर्गा के किसी भी हॉस्पिटल्स को कंसल्ट करते हैं, करके जो है वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक जो है हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। ये मेरिडियन इन होटल है हमनाबाद रोड गुलबर्गा। मैं सैयद तनवीर हाशमी, अमीर मुकामी जमात इस्लामी गुलबर्गा। वालेकुम। जैसा कि अभी बताया गया, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी की जानिब से गुलबर्गा में हमनाबाद रोड पर जो होटल मेरिडियन इन, इसमें कोविड केयर सेंटर कल से संडे से 23 मई 2021 से इसका आगाज़ हो जा रहा है। तो इसमें 30 बेड्स हैं, 30 रूम्स हैं, तो 30 बेड रखें, क्योंकि कोविड पेशेंट को एक बेड पे दो को शेयर नहीं कर सकते, तो सिंगल रूम वीआईपी रूम जो है यहाँ पे उसको ये कर रहे हैं। सर, ये जो रूम्स हैं, रूम्स का आप चार्ज ले रहे हैं? नहीं ले रहे, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो रूम्स हैं, 30 रूम्स हैं, 30 पेशेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। उसके लिए उनके पेशेंट्स को केयर लेने के लिए, जैसा कि बताएगा, एसिम्प्टोमेटिक एंड माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट को हम यहाँ पे एडमिट करेंगे। अगर सीरियस केसेस हैं तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, जैसे ही आता पेशेंट मालूम होता है तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, तो दैट केयर वी आर टेकिंग। अगर सीरियस केसेस हैं तो दूसरे हॉस्पिटल को रेफर करेंगे। यहाँ पे आने के बाद उनको जितना मुमकिन हो सकता है हम अपने तौर पर ये सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बियॉन्ड कंट्रोल अगर होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर वेंटिलेटर की ज़रूरत जब पड़ने महसूस होता है, डॉक्टर फील करते हैं, तो वो दूसरे डॉक्टर, दूसरे हॉस्पिटल को रेफ़र करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पैनल ऑफ डॉक्टर्स है, तो यहाँ पे कुछ ड्यूटी डॉक्टर्स हैं जो शिफ्ट में काम करेंगे, और पैनल ऑफ डॉक्टर्स है इंक्लूडिंग इन हाउस डॉक्टर्स एंड सम डॉक्टर्स फ्रॉम बैंगलोर। तो टेली कम्युनिकेशन, टेली मीट कंसल्टेशन के ऊपर उसमें बात करेंगे। उसमें स्पेसिफिकली मैं नाम लेना चाहूँगा SBS के फेमस डॉक्टर, डॉक्टर ताहा मतीन, ही इज होल एंड सोल फॉर दिस वन। तो उनका हम उनसे कंसल्टेशन लेंगे इन केस ऑफ एमरजेंसीज। अदरवाइज ए पैनल ऑफ डॉक्टर्स विल टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। और पेशेंट्स को जो सर्विस हम देना चाह रहे हैं वो ये है कि फ्री बेड प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो ये ऑक्सीजन फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। पेशेंट्स को हाइजीनिक फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए बसवेश्वर हॉस्पिटल में जो कैंटीन है उससे हम टाइप किए हैं। तो ऑल द 3 times ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर उनको हाइजीनिक फूड विल बी प्रोवाइडेड। तो ये उनको सर्विसेज है, डॉक्टर्स कंसल्टेंसी, नर्सिंग है, ओन एनी सर्विस वो है वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। आउटसाइड जो उनको पेशेंट के ऊपर जो बार पड़ेगा वो मेडिसन्स हैं, इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम दो लैबोरेटरी से, एक डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी पूजा डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी एंड स्कैनिंग अगर है तो कर्नाटका स्कैनिंग कलबुरी स्कैनिंग सेंटर से हम टाइप किए हैं। दे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दिस सेंटर्स विल बी हियर, तो वो यहाँ पे आएंगे, जब जब जरूरत पड़ती है पेशेंट को उन्हीं के जरिए से ये करेंगे। वो पेड करेंगे, पेशेंट की तरफ से पेड करेंगे, मेडिसिन एंड कंसल्ट इन्वेस्टिगेशन, मेडिसिन एंड इन्वेस्टिगेशन पेशेंट पे करेंगे। पेशेंट सपोज कभी पेशेंट जब एचआरसीटी करा के आता है तो उसके रेशियो के हिसाब से उसको एडमिट करते हैं, तो ज्यादातर ये देखने में आ रहा है कि जब ट्रीटमेंट चालू होता है तो पेशेंट सीरियस होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग यहीं रख के ट्रीटमेंट करेंगे? नहीं, हमारे लिमिटेशंस हैं, ये फुल फ्लेज हॉस्पिटल नहीं है, हम अपने लिमिटेशंस में ही काम करेंगे, इसीलिए वो उतना केयर हम लेंगे कि क्रिटिकल अगर केस होता है वी विल नॉट टेक रिस्क, वो रिस्क नहीं लेंगे हम, दूसरे हॉस्पिटल को रेफर करेंगे। उसके लिए हमारे कंसल्टेंट्स डिफरेंट हॉस्पिटल जो लोग डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनसे कंसल्टेंसी में रहेंगे, हम इन कांटेक्ट रहेंगे, वो जब भी गाइड करेंगे, ये इस पेशेंट इज बिकमिंग क्रिटिकल, वी कैन नॉट कीप फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, इमीडिएटली ही विल बी, ही और शी विल बी ट्रांसफर टू सम हॉस्पिटल्स। रेगुलरली कोविड पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, आपने 30 बेड यहाँ पर रखे हैं, आगे बढ़ाने का? हम तो चाहेंगे कि और हॉस्पिटल हों, लेकिन इनिशियल स्टेज हम ये लॉज मिला है, क्योंकि एनी फंक्शन हॉल में हम कर सकते थे, लेकिन फंक्शन हॉल में करेंगे तो सफिशेंट हमें फैसिलिटीज, स्पेशली हाइजीनिक फैसिलिटीज, टॉयलेट एंड ऑल जो बेसिक रिक्वायरमेंट थे तो फुलफिल नहीं कर सकते थे, करे भी तो हाइजीनिक होता था। तो पोस्ट कोविड के बाद ब्लैक फंगस का भी फ्लो चल रहा है, क्या उसके लिए भी टीम रखी? अभी तो हम नहीं, अभी तो हम यहाँ पे इनिशियली कोविड के रिलेटेड ट्रीटमेंट करेंगे, जब वो आएगा तो देखेंगे, क्योंकि वो भी वो इन द प्रोसेस है, नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ये हमारे एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स इफ दे कैन टेक केयर ऑफ, ओके वी कैन डू इट, अदरवाइज वी हैव टू थिंक अदरवाइज। तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे अभी कोई, हमें तो हम पोजीशन में नहीं है वो,
लेकिन यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज हैं गुलबर्गा में अवेलेबल होगी वहाँ पे हम रेफर करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेंगलुरु में HRS की जानब से, ह्यूमैनिटी रिलीफ सोसाइटी की जानब से ऑलरेडी देर आर 4 हॉस्पिटल्स हैव बीन स्टार्टेड रिसेंटली। एक SBS ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू कोविड केयर सेंटर, SBS फेमस हॉस्पिटल है, उसके आलमीन स्कूल को कन्वर्ट करें हैं कोविड केयर सेंटर के लिए, और सेंट जोसेफ स्कूल को उसको कन्वर्ट करें हैं, और कंटोनमेंट एरिया में यो लॉज है 50-bed हॉस्पिटल वहाँ पे किए हैं, और रिसेंटली जस्ट 3-4 डेज एगो हासन में इसी तरह का कोविड केयर सेंटर वहाँ पे स्टार्ट किए हैं, आज यहाँ पे शुरू हो रहा है, रायचूर में भी शुरू हुआ है इसी तरह। वी आर टेकिंग केयर ऑफ अटेंडिंग दिस पेन ऑफ दिस पेशेंट्स, पोर पेशेंट स्पेशली, तो हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा अभी 30 बेड क्या होंगे, ओके अगर ये जरूरत पड़ती है तो हम फिर देखेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट की तरफ से क्या आप लोगों ने सपोर्ट किया? गवर्नमेंट की तरफ से हमें अप्रूवल मिला है कि कोविड केयर सेंटर चलाने के लिए, एंड ऑल दी गवर्नमेंट मशीनरी इंक्लूडिंग DHO एंड DC एंड ऑल दे आर मॉरली सपोर्टिंग अस। ये सपोर्ट मिला है, हम फाइनेंशियल सपोर्ट उनसे नहीं पूछे हैं, हम फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पब्लिक को हम डोनेशन के लिए अपील कर रहे हैं। ये पब्लिक मनी को हम यहाँ पे कर रहे हैं हमारे अपने तरफ से, नॉट पब्लिक मनी से, ऑल पब्लिक मनी, हमें जो पहचानते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो पहचानते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है कि ये लोग प्रॉपरली करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, तो उन्हीं से हम अपील कर रहे हैं। पब्लिक में, आम पब्लिक में हम नहीं जा रहे हैं डोनेशंस के लिए, तो डोनेशन के ऊपर ये हॉस्पिटल चलेगा, एक एक पैसा हमारे पास अकाउंटेड रहेगा, हम अपने जो यहाँ पे जो भी आके करते हैं अपने जेब से खर्च करके आते हैं, इसमें हमारा अकाउंट नहीं होगा। जो भी वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं अदर देन दी पेड स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड डी ग्रुप स्टाफ जो है उनको पेड किए हैं, अदर देन दैट ऑल आवर वॉलंटियर्स एज अ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल जो भी हैं हम, वो वॉलंटरीली दे आर गिविंग देयर सर्विसेज। उनके साथ MOU किए हैं, और एक एम्बुलेंस तीनों में से विथिन 10 मिनट्स इट विल बी अवेलेबल। हमारी कोशिश है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हम अपने तरफ से भी एक एम्बुलेंस हमारा अपना भी होगा, तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे। सर फार्मेसी इंडोर है? फार्मेसी इंडोर है, लिमिटेड है, हम यहाँ के पेशेंट के जो कोविड पेशेंट के लिए रिलेटेड जो मेडिसिन है वो हम प्रोवाइड करेंगे। ओवर एंड अबव दैट अगर डॉक्टर हमारे फील करते हैं कि सम मोर मेडिसिन आर रिक्वायर्ड, तो ऐसे के लिए हम रेफर करेंगे, आप बाहर से ला लीजिए। सर जैसे मेजर अगर इसमें देखा गया तो ट्रीटमेंट में मेजर 2 इंजेक्शन को काफ़ी फोकस किया गया, एक मिथाइल है और एक दूसरा रेमडेसिविर है, अगर पेशेंट को इस चीज़ की जरूरत पड़ती है तो क्या आप? नहीं वो मैं वही बोला ना, ये हम प्रिलिमिनरी केयर ले रहे हैं, नॉट सीरियस केसेस, सीरियस केसेस को नहीं ले रहे हैं तो वो रेफर करेंगे। 2 हॉस्पिटल जैसे कि मैंने कहा मन्नूर हॉस्पिटल एंड सनराइज हॉस्पिटल, दो से हम MOU किए हैं, इनिशियल स्टेजेस में हम रेफर वहाँ पे करेंगे, तो इट इज़ ओपन टू ऑल, नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, एवरीबडी। मैं मोहम्मद ज़ियाउल्लाह, नाज़िम ज़िला, जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा। सर अभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोविड सेंटर है तो गवर्नमेंट से रेफर किया वो अगर कोई पेशेंट आता है एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम तो उसे भी एडमिशन लेंगे, उसको लेंगे। वो कॉन्टैक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को हम अप्रोच होंगे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हालात के लिहाज से हम देख रहे हैं कि लोगों में तआवुन करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है, तो वैसे कोई लोग यानी ये मत समझें कि हमारा कोई हकीर ताउन ये क्या है, बल्कि कोई 2000-4000 भी इस तरीके का भी ताउन करना चाहता है तो उनके लिए भी हम जो है वो ताउन की गुंजाइश है, हम ओपन हैं, आम पब्लिक भी जो है 1000-2000-3000 भी इस कोविड केयर सेंटर के लिए ताउन कर सकते हैं। तमाम चैनल पर चल रहे, तमाम चैनल पर जो व्यूवर्स हैं अगर वो आपको डोनेशन देना चाह रहे हैं, ताउन करना चाह रहे हैं तो क्या वही क्लियर कराता मैं, तो ये जो है जमात इस्लामी हिंद के नाम पे जो है उन्हों क्योंकि वह सपोर्ट कर रही है सारी चीज़ें के लिए, तो जमात इस्लामी हिंद को जो है फाइनेंस कर सकते हैं, जमात इस्लामी हिंद की रिसिप्ट जो है वो हासिल कर ले सकते हैं। तो किसको कांटेक्ट करना है, वो कांटेक्ट नंबर और किन लोगों को अप्रोच होना है, वो सारे डिटेल्स इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। अभी हम लोगों का कोविड केयर सेंटर शुरू हो गया है, तो आप लोगों के ज़रिए मैं गुलबर्गा की अवाम को अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग भी जो है ट्रीटमेंट कहीं जाके नहीं करा सकते, जो लोग जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के नीचे हैं, तो उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो हमारी तरफ आएं, और आपके जो भी व्यूवर्स जो भी हैं देख रहे हैं उनके कांटेक्ट में भी कोई हजरात हैं जिनको जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो हमें जो है ना हमारे से कांटेक्ट करें, तो हम लोग उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा ये है कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है इंशाल्लाह भी आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे से जो है ना हम लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री है तो क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे, वी आर नॉट डूइंग एनी कॉम्प्रोमाइज़ इन क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, बिल्कुल जो है A1 क्वालिटी का जो है ट्रीटमेंट मिलेगा यहाँ पर।
उसके अलावा जो है एक डोनेशन की अपील ये है कि आपकी स्क्रीन पर जो है ना कुछ नंबर दिखाए जाएंगे, इंशाल्लाह आप उनसे कॉन्टैक्ट करके जो है ना हम लोगों को जो है सपोर्ट कर सकते हैं। अमाउंट के अलावा भी आपको अगर कोई फूड प्रोवाइड करना चाह रहा है या कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाह रहा है क्या कोई इंजेक्शंस है या कोई और चीज भी प्रोवाइड करना चाह रहा है तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, हमारा नंबर जो भी आपको कॉन्टैक्ट दिया जाएगा आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए तो हम लोगों को लाइक वी आर लाइक यू कैन सपोर्ट अस इन मेनी वेज एक्चुअली। तो फूड हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, देयर आर डिफरेंट वेज। आप नंबर है हमारा उनसे कॉन्टैक्ट करिए तो हम बता सकते हैं आपको, आप हमको बता सकते हैं आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं तो फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन से जो है आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जो है हमारे कॉल पर यहाँ पर आए और जो है हमारे लिए जो भी कवरेज कर रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।